नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइफ सविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा पाउडर जिसे आप 15 से 20 दिन पी लेंगे लगातार तो वज़न कम हो जाएगा और वैसे भी जैसे गैस की और एसिडिटी की जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने ये लिया है जीरा, तो इसमें जीरे का यूज करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब ये सौंफ ली है, जितना हम जीरा लेंगे उतनी ही सौंफ लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर ये सौंफ ली है, ये भी इसके अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, अजवाइन भी इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हमने ली है सामान से ली है। तो अभी गैस को ऑन कर लेते हैं और इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो इनका कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर इसमें जीरा डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे और ये अजवाइन भी डाल देंगे इसके अंदर। मीडियम आंच पर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, तब अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक इसको भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं और देखिए कलर भी बिल्कुल इसका चेंज हो गया है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, अभी इनको हम रख देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। अब ये देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए अभी ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें सारी चीज़ों को डाल देंगे। इसका बहुत ही बारीक से पाउडर बना लेना है। अभी इसको ढक्कन लगा देंगे और ये देखिए यहाँ पर इसको बिल्कुल बारीक से पाउडर बना लिया है मिक्सी में। इस तरह से ये पाउडर बना लेना है और इसे आप 2 टाइम पी सकते हैं आधा चम्मच। तो इसे कैसे पिया जाएगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे हम पहले बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए आधा चम्मच इसमें हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर आधा चम्मच ही बहुत हो जाएगा। ये खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप एक बार लें और एक बार इसे रात को सोने से पहले ले लें। और इसे आप किसी भी बोतल में रख सकते हैं या फिर किसी भी जार में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कांच का जार है तो इसमें सारा मैं डाल देती हूँ। कम से कम ये 15 से 20 दिन तक चल जाएगा। तो आप एक साथ 15 से 20 दिन का बना लें और उसे आप किसी भी जार में रख सकते हैं और फिर खाना खाने के बाद इसे आप ले सकते हैं आधा चम्मच। और इसे लेना कैसे है तो चलिए वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पर हम गर्म पानी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है जिसको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे हम चाय की चुस्की लेकर पीते हैं चाय को, उसी तरीके से गर्म पानी होना चाहिए और उसी तरीके से जैसे चाय पीते हैं वैसे ही इसको पीना है। तो देखिए गर्म पानी हमने कर लिया है, अभी इसको 1 गिलास में डाल लेंगे। और इसमें देखिए ये आधा चम्मच इसमें हम ये डाल देंगे पाउडर के, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आधा चम्मच से कम ही इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे जैसे चाय पीते हैं वैसे ही हम इसको पी लेंगे। यकीन मानिए 15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपका पेट भी ठीक रहेगा और वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप इसे बनाकर 2 टाइम पी सकते हैं। और जैसे गैस की समस्या और भी जैसे एसिडिटी हो जाती कई बार, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये पाउडर ज़रूर से बनाइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जो मेरी नई फ्रेंड है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।